ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदेश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज का हमारा टास्क है डे थ्री में पहला टॉपिक कवर करना। तो पिछले वीडियोस में हमने डे टू कंप्लीट करा हुआ है, आखिरी के दो वीडियोस डे टू के असाइनमेंट्स के बारे में थे। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर कंटिन्यू करें। तो आज डे थ्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेशन कंट्रोल क्विजेस के बारे में। तो असल में 5 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टास्क है इन 5 क्विजेस को सॉल्व करना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ये क्विज का क्वेश्चन है कि भाई नंबर में वैल्यू 28 पड़ी है, ठीक है। तो मुझे एक रेंज में एक नंबर जो है वो एक रेंज में चलेगा 25 से 30 तक, मतलब 29 तक चलेगा। तो हमें चेक करना है कि अगर नंबर बड़ा है नंबर, मतलब ये हमारे पास एक कोड दिया गया, हमें इसके हिसाब से हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि इन चारों में हमारा कौन सा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये करने से पहले पहले इस कोड पर आते हैं। नंबर की वैल्यू 28 है, ठीक है। सबसे पहले नम की वैल्यू क्या होगी, 25 चेक करा, क्या मेरा 28 पड़ा है 25 से, बिल्कुल है। तो क्या प्रिंट कर देगा 25, तो इसका मतलब किस में 25 है, देखो वही वाला आंसर होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो मतलब ये ऊपर वाला तो कट गया, 28 जो है अब सॉल्व नहीं होगा, अब इस पे आया, ठीक है, इधर आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या 25 प्रिंट हो गया, फिर दोबारा ऊपर गया, वैल्यू 26 हो गई। चेक करा क्या 28 बड़ा है 26 है, तो 26 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 26 किस में देखो तीनों में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ दोबारा, 27 आया, 27 में भी आ जाएगा, प्रिंट होगा, 27 भी प्रिंट हो रहा है, देखो 27 यहाँ पे, 27 यहाँ पे, 27 यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है 28 के लिए, इसके लिए 28 हो जाएगी नम की। फिर चेक करेंगे 28 बड़ा है 28 से, ऐसा तो नहीं है, तो एल्स में आ गया। एल्स में 28 प्रिंट करने के बाद लूप खत्म हो रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे 25 26 और 27 पे रुक जाता है, उन्होंने जहाँ देखा ये कि 28 जो है वो बड़ा है नम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ा नहीं है नम से, तो इसका मतलब एल्स पे आएगा, एल्स पे लोग आते नहीं है, एल्स पे आना है, उसमें हमें करना है क्या प्रिंट नम करना है, 28 प्रिंट करना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 26 27 और 28, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर देखते हैं। तो इस पर हमारा ये एक यहाँ पे नंबर दिए गए 23 45 50 65 76 और 90, इस पर एक लूप चल रहा है और ये तीन कंडीशन थी, इसके साथ से प्रेडिक्ट करना है हमें कि इन चारों में कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले 23 आएगा, नम में क्या आ जाएगा 23। अच्छा कह रहा है कि 23 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर नहीं आता है 0, तो बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर तो 0 नहीं आता है। तो क्या करेगा कंटिन्यू, मतलब अब 45 उठा लेगा, नम में 45 आ गया, क्या 45 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है। तो इस वाले पे आया कि 45 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या रिमाइंडर का 0 आता है, ऐसा भी नहीं है। तो इधर आया कि 45 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या करेगा 45 को यहाँ प्रिंट कर देगा और एक स्पेस दे देगा, तो 45 देखो किस में शुरुआती तीन में, मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर है, चौथा वाला तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आए अब 50 उठाएगा, 50 यहाँ पे आएगा, 50 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है क्या वो 0 नहीं आता है, ऐसा तो नहीं, रिमाइंडर तो हमारा 0 आता है। उस केस में इधर आएगा, 50 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे 50 और कंटिन्यू, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और कंटिन्यू, मतलब दोबारा अब नम वैल्यू हो जाएगी 65। जब 65 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर 0 नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, 0 तो आता है। तो इधर आए क्या 65 को जब 10 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, ऐसा भी नहीं है, और 65 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब अपने मन से वैल्यू क्या होगी 76, 76 पे आएगा, 76 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर 0 नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं आता है आंसर 0, तो कंटिन्यू कर देगा, मतलब अब वैल्यू हो गई 90, 90 पे आया, क्या 90 को जब 5 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 नहीं आता है, तो ये बात तो गलत है, आंसर 0 ही आता है। तो इधर आया क्या 90 को जब 10 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 90 को प्रिंट कर देगा, इसका मतलब 45 50 को 90 होगा, मतलब पहला वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तो ये कह रहा है फॉर नंबर इन 10, 15 जो है इसमें एक लूप चला है, उसको नंबर को कंट्रोल करेगा, फिर नीचे एक रेंज है 1, 3, मतलब 1 और 2 काउंटर की वैल्यूज होंगी हर बार, लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूपिंग का यहाँ पे कंसेप्ट लगाया गया है। करना क्या, हर बार नंबर इंटू काउंटर मुझे ये प्रिंट करना है, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, 4 दिए गए, देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। तो पहले नंबर की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, 10 होगी, फिर अंदर वाले लूप में आओ, अंदर देखो 1, एक बार इसकी वैल्यू होगी 1 और दूसरी बार इसकी वैल्यू होगी 2, तो अभी हमारे पास नंबर में क्या वैल्यू पड़ी 10 पड़ी हुई है ना, 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा 10 और 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20, तो 10, 20 जो है ये अंदर वाले लूप से हमें मिल जाएगा,
26 में किसमें है? शुरुआती दो, मतलब शुरुआती दो में कोई एक हमारा आंसर है, ठीक है। इधर आते हैं, अब 10 के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। तो 15 पे आ गए, तो फॉर काउंटर इन रेंज 1,3, मतलब दोबारा अब नंबर वैल्यू पड़ी है 15, और यहाँ अंदर वाला लूप दो बार चलेगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 15 और 30 भी आखिर में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा हो कि 10,20 और यहाँ पे 15 और 30 भी आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन पे आओ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर में हमें, मतलब हमें नंबर और नंबर टू की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर कह रहा है आपको 4 चाहिए। तो 4 आएगा कहाँ से, तो पहले स्कोर के ऊपर ऊपर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये क्या चेक कर रहा है कि नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, फिर चेक कर रहा है कि अगर नंबर बड़ा होगा नंबर 2 से तो उसको जो है 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा ठीक है, तो पहली वैल्यू उठाते हैं 12,5 लेके एक बार चलते हैं, ठीक है। तो नंबर की वैल्यू 12, नंबर टू की वैल्यू 5, चेक करा क्या 12 जो है वो बड़ा है बराबर है 2 के, बिल्कुल है, अंदर आ गया। क्या 12 जो है वो बड़ा है 5 से, बिल्कुल है। तो नंबर में अब क्या हो जाएगा, नंबर अपॉन टू, मतलब 12 अपॉन 2 मतलब 6, तो 6,5 अब जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा गया, क्या 6 मेरा बड़ा है 2 से, है, तो यहाँ 6 का बड़ा है 5 से, वो भी है, तो अब 3 हो गया, तो 3 चला गया, नंबर की वैल्यू 3 हो गई, 12 से 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आया, क्या 3 बड़ा है 2 से, है, क्या 3 बड़ा है 5 से, ऐसा तो नहीं, 12 में आकर प्रिंट कर दिया 3, तो 12 से आधा हुआ 6, 6 का आधा हुआ 3, और 3 प्रिंट कर दिया। तो मतलब ये हो क्या रहा है कि नंबर के हिसाब से ही हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो नंबर को कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर को डिवाइड करो आंसर हर बार आधे से डिवाइड करो आंसर 4 आ जाए, तो वही वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 8,2 को उठाओ, तो हो सकता है क्योंकि 8 को आधा करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4 आ सकता है, तो आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं, नंबर में 8 लेते हैं, नंबर 2 में 2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या 8 बड़ा है बराबर है 2 के, बिल्कुल है, अंदर आ गए। क्या 8 बड़ा है हमारे 2 से, बिल्कुल है, इधर आ गए। 8 क्या हो गया, 8 अपॉन 2, मतलब अब यहाँ पे 8 की जगह 4 हो गया, अब हमारे पास 4 है, ऊपर गए। क्या 4 बड़ा है बराबर है 2 से, बिल्कुल है, अंदर है। क्या 4 मेरा बड़ा है 2 से, बिल्कुल है, तो 4 का आधा हो गया 2, ये तो यहाँ गलत हो गया क्योंकि 4 से छोटा हो जाएगा, 4 का भी आधा हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा ही। अब 16,6 में आते हैं, इस पे आते हैं, इस नंबर की वैल्यू 16, नंबर 2 की वैल्यू 6, ठीक है। तो क्या 16 बड़ा है बराबर है 2 के, बिल्कुल है, तो यहाँ चेक करेगा 16 ग्रेटर है 6 है, बिल्कुल है, तो क्या करेगा 16 अपॉन 2 कर देगा, उसको नंबर में रख देगा। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। दोबारा ऊपर गया, क्या 8 मेरा बड़ा है बराबर है 2 से, बिल्कुल है, यहाँ है। क्या 8 मेरा बड़ा है किससे, 6 से, 6 से बड़ा है, तो चेक कर लो, ऐसा तो बिल्कुल होता है। तो नंबर में क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 2, मतलब अभी इसमें 4 आ गया, मतलब हमें यहाँ अगर हम लूप अगर यहाँ पे रुक जाता है तो इसमें हमें आंसर मिल जाएगा 4 है। फिर ऊपर गए, क्या 4 बड़ा है बराबर है 2 के, बिल्कुल है, तो क्या 4 बड़ा है 6 से, क्योंकि 16,6 था ना, तो क्या 4 बड़ा है 6 से, ऐसा तो नहीं है, तो कहाँ आ जाएगा, एस वाले पार्ट पे आ जाएगा। एस वाले पार्ट पे आते ही यहाँ प्रिंट करेगा 4 और ब्रेक कर देगा, मिल गया आंसर, 16,6 आंसर है। इसको कॉपी में ट्राई करना और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पास का यूज़ करा गया, तो पास के बारे में सब लोग जानते हैं, पास क्या होता है, एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है आपकी जगह बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कोड इसको ऊपर ऊपर देखो, पहले हो क्या रहा है, काउंटर की वैल्यू 0 है और 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 9, वाइल लूप लगाए 9 तक चलेगा, मतलब काउंटर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक चलेगी, ठीक है। अंदर क्या कह रहा है, इफ कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर काउंटर मॉड टू इक्वल टू कुछ, ये इवन वाली कंडीशन है, तो अगर हमारे काउंटर की वैल्यू इवन है तो पास कर दो, मतलब कुछ ना करो, ठीक है। और अगर अगर ऑड है तो क्या करो, ऑड वाले को प्रिंट कर दो, काउंटर की वैल्यू बढ़ा दो। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, इवन ऑड वाला क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कर रहा है कि 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स जो है उन पे एक लूप लगा रहा है, ठीक है। हमें चेक करना है हर बार, वो लूप जो है उसको कंट्रोल कौन करेगा, काउंटर, और हमें चेक करना है कि काउंटर की वैल्यू अगर ऑड है तो हम उसे प्रिंट कर दे रहे हैं, और देखो इवन है तो उसे पास कर दे रहा है, ठीक है। तो 0 जो है, अब 0 प्रिंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, 0 इवन होता है, 1 से आए, देखो 1 ऑड है, 1 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देख लेते 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें ऑप्शन है वही वाला आंसर होगा। तो ये रहा ये वाला 1, 3, 5, 7 है, तो यही आंसर होगा, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा करिएगा, आप इसे जो है अभी समझ तो गई हैं आप एक बार, इसको आपको जो है एक बार घर पे ट्राई करना है, कॉपी में लिख के एक बार ट्राई करना, नंबर की वैल्यू ये होती है, नंबर टू की वैल्यू ये होती है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हर बार आप अपने मन से इसे कोशिश करना है इसको करने की, ठीक है।